एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कल एक्सपायरी के लिए मार्केट का बेस्ट सेटअप कौन सा रहने वाला है, किस प्रकार से काम करने वाला है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको चीजें हैं वह समझ में आएगी, अदरवाइज आप यहाँ पे फिर से अधूरा ज्ञान लेके जाओगे और फिर अधूरा काम करोगे और आपका पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा चीजें देखनी है, क्या आपको बोला जा रहा है वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए और फिर आपको खुद से एनालिसिस भी करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्लीज सीखिए, आज से हमारा कोर्स है वो शुरू होने वाला है, ठीक है, लाइव बैच का। उसमें आपको हर एक प्रकार की चीजें हैं वो सिखाई जाएंगी। तो अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती है। साथ में आप हमसे अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी का चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके अंदर यहाँ पे आपको मैंने कल भी ये जो बताया था कि ये एक यहाँ पे डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग चार्ट पैटर्न था, उसका यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और इसको रिटेस्ट करके ये अप साइड में जा रहा है। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो ये एक अपर साइड की ट्रेंड लाइन, ये डाउन साइड की ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक बुलिश चैनल बना हुआ है। और मैंने आपको बोला था कि ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम, दो तीन बार यहाँ पे, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम यहाँ पे जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे आपके सामने पता है कि इसने पुल बैक लिया और बहुत अच्छे तरीके से ये रिकवर करके न्यू लाइफ हाई बनाया है, ठीक है। तो अब चांसेस हैं कि हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट हो, ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे भी आ जाए। तो आपको ये चैनल आपको दिख रहा है उसको आपको फॉलो करना है, अगर ये नीचे आता है, ठीक है, तो चांसेस होंगे कि ये नीचे की ट्रेंड लाइन है उसकी तरफ ये आए, क्योंकि यहाँ पे पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट और फोर्थ सपोर्ट यहाँ पे मिला है, तो सॉरी थर्ड सपोर्ट, तो फोर्थ सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि किस प्रकार से काम कर रहा है ब्रॉडर व्यू, ठीक है। अब एक्सपायरी के तरीके से हम बात कर लेते हैं। तो एक्सपायरी के दिन आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे ओआई डेटा होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब यहाँ पे जैसे आज आप देखोगे तो बैंक निफ्टी उसके अंदर तेजी थी, ठीक है, और निफ्टी ही उसके अंदर तेजी नहीं थी। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे नहीं हो रही थी और बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी तेजी हुई, क्योंकि वहां पे जो शॉर्ट कवरिंग है वो बहुत अच्छी हुई थी। अब ये चीज है वो कल हो सकती है निफ्टी के अंदर। अब क्यों हो सकती है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया है, लोग यहाँ पे मान के चल रहे थे कि ये जो यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुई थी परसों, नीचे आया फिर उसके बाद में ऊपर गया, तो यहाँ पे नीचे आया और लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होगा, ठीक है, उनको लग गया कि ये मार्केट है नीचे के अंदर जाएगा। लेकिन आज आप देखोगे कि मार्केट ये वाला जो यहाँ पे फ्लैग टाइप का बन रहा था, कल भी मैंने आपको बोला था ये यहाँ पे इतना तक, यहाँ पे 330 का क्लोजिंग है ये वाला, आज यहाँ पे आप देखोगे कि नीचे के अंदर ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद में फर्स्ट कैंडल के बाद में सेकंड जो कैंडल बनी वो पूरी रिकवरी की बनी, थर्ड कैंडल वापस पूरा का पूरा सेल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लोगों के अंदर ये आया होगा कि यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट बन गए, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं होंगे या फिर लाइव हाई में कहीं पे होने वाले हैं। तो ये सब चीजें थी और यहाँ से मार्केट है पूरा रिकवर करके ऊपर में चला गया। अब यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट किया या फिर यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट क्रिएट किया था उनका स्टॉप लॉस या तो यहाँ पे कहीं होगा या फिर लाइव हाई का कहीं पे होने वाला है। तो ये सब चीजें हो गई हैं और मार्केट है वो लाइव हाई के ऊपर क्लोज करके गया है। अब कायदे से तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन एक्सपायरी तक बहुत सारे लोग हैं वो रुकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि कल अगर मार्केट है वापस से ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर बना रहता है, पुल बैक लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो जिन लोगों ने शॉर्ट किया ना उन लोगों की बैंड बजेगी और बहुत तेजी से अपसाइड बनेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर मान लेते हैं कि वापस से ये नीचे आता है, इस एरिया के अंदर वापस आ जाता है, तो ये वाले जो एरिया हैं वो भी टच कर सकता है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब अगर यहाँ पे आपके सामने एक ध्यान रखना है कि ये वाला जो एरिया है, अगर मैं एरिया की बात करूं, ठीक है, आपको ये एरिया ध्यान में रखना है 22,430 का, ठीक है, 22,430। अगर 22,430 के नीचे मार्केट सस्टेन कर गया
ठीक है। तो फिर ये वाला जो लो आज के बने हुए हैं, ठीक है, अगर इन लो की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने है 22,250 के करीबन, तो 22,250 तक मार्केट है वो फिर आ सकता है, तो ये यहाँ पे सेल ट्रेड बनेंगे आपके, ठीक है। अगर मार्केट वापस पुल बैक लेकर के ऊपर में निकलता है, ठीक है, तो वहां पे बाइंग के ट्रेड बनेंगे और शॉर्ट कवरिंग होगी। अगर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखे ना तो आपको वहां पे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहले मार्केट है, ठीक है, मार्केट पहले अगर पहले मार्केट एक बार डिप दे दे और उसके बाद में ऊपर निकलेगा ना तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन पहले ही मान लो ब्रेकआउट दे करके गैप अप ओपन हो जाता है तो उसमें फिर उतना जो यहाँ पे फोर्स है वो नहीं रहेगा, फिर वो गैप फिल करने के लिए आएगा आएगा, ये चीज आपको और ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपको बताया है कि एक्सपायरी पे गैप अप ओपन हो जाता है तो वीकनेस रहेगी, गैप फिल होने के चांसेस होंगे। दूसरी चीज, पहले ओपन होने के बाद में इस रेंज में ओपन होता है, डिप नीचे के साइड में ले लेता है तो ये ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और या फिर ये मान लेते हैं कि पहले इस एरिया के अंदर ओपन होकर के रेंज बना करके निकलता है तो फिर एक बार ऊपर में जाएगा, लेकिन वो भयंकर वाली जो यहाँ पे स्ट्रांगनेस है वो नहीं होगी, लेकिन ये जाएगा और हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन है उसका रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आएगा, और फिर जो बाई किया है ना उनको एक बार निकालेगा बाहर, यानी कि फिर इंट्राडे में एक बार नीचे आएगा और उसके बाद में फिर से वापस अपसाइड में जा सकता है। तो ये सारी कंडीशंस आपको देखनी है कि किस प्रकार से काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये चीजें सीखनी है, ठीक है, साइकोलॉजी सीखनी है मार्केट की, तो आप सीख सकते हो। हमने कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है और इसका आज लाइव बैच है, वो ऑनलाइन क्लास का रात 9 बजे से शुरू होने वाला है, तो जाकर के आप ज्वाइन कीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हर एक चीज बेसिक से लेकर के एडवांस तक सिखाई जाएगी, जिसके अंदर आपको हर एक प्रकार की ट्रेडिंग भी सिखाई जाएगी और हर एक प्रकार का डाउट है वो भी क्लियर किया जाएगा। जाकर के आप कॉन्टैक्ट कीजिए और आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको खुद से यहाँ पे ज्वाइन करना है तो UPI ID के ऊपर आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर QR कोड के ऊपर हमें पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट सेंड करोगे, साथ में ये डिटेल सेंड करोगे, तो आपका एनरोलमेंट हो जाएगा और आप यहाँ पे बैच के अंदर कनेक्ट हो पाओगे। तो ये सब चीजें आपको करनी है। अब अगर मैं इसके लेवल आपको बताऊं तो लेवल आपको यहां पे ध्यान में रखना है, ऊपर में 22,500 का लेवल है इंपोर्टेंट, और नीचे के अंदर 22,465 का लेवल है इंपोर्टेंट। ये एक रेंज हो गई, ठीक है। अगर इस 35 पॉइंट की रेंज के अंदर कहीं मार्केट रहता है तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, लेकिन जिस भी साइड में ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट देता है तो आपको उसी साइड में ट्रेड लेना है। ऊपर के अंदर ये 22,500 का लेवल है, वो एक साइकोलॉजिकल हर्डल भी है, तो वहां पे भी ये यहाँ पे थोड़ा रुकेगा। देखना है कि गैप अप ओपन होकर के एक बार गैप फिल करने के बाद में अगर जाता है, ठीक है, तो ये फिर ऊपर जाने के चांसेस, सॉरी मैंने कुछ बोल दिया क्योंकि मैसेज आ गया था, तो ऊपर के अंदर एक बार गैप अप होने के बाद में गैप फिल करने के लिए आ सकता है। गैप फिल करने के बाद में अगर जाता है ऊपर में तो ये काफी तेजी से अपसाइड दिखा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, 22,500 के ऊपर निकलेगा तो आपका जो टारगेट बनता है वो बनता है 22,550 का पहला टारगेट, 22,600 सेकेंड टारगेट, 22,650 थर्ड टारगेट, 22,700, ठीक है, ये वाला, और 22,750, ये टारगेट बनते हैं ऊपर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे टारगेट कैसे डिसाइड करना है, तो यहां से यहां तक का फिबो का आप लगा करके देखोगे तो इसका नेक्स्ट टारगेट आपको दिख जाएगा, और ऊपर के अंदर हमारी ट्रेंड लाइन है वो हमारा एक नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो वो भी एक टारगेट है, ठीक है। नीचे के अंदर मैंने आपको बोला कि 22,465 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट क्या बनने वाला है, हर्डल के जैसे है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 22,465 ये वाला जो एरिया है, 22,465 ये वाला जो यहाँ पे ये वाला एरिया है, इसके नीचे मार्केट आता है, ठीक है, यानी कि जो लास्ट की 15 मिनट की कैंडल है उसके नीचे मार्केट आता है, तो फिर चांसेस होंगे कि एक बार ये 22,000 जो मैंने आपको बोला 22,430, ठीक है, 22,430 का जो लेवल बोला था वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के जैसे काम करेगा, और वो ब्रेक कर गया ना तो फिर मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगा, और ज़्यादा नीचे जाएगा तो उसमें 22,390, ठीक है, 22,350, 22,315, ठीक है, 22,315, और इसके नीचे जाता है तो 22,280 और 22,240, ये आपके टारगेट बनने वाले हैं, तो यहाँ पे आप फोकस करके रख सकते हो। तो निफ्टी के मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता दिए हैं, लिखे हुए आपको एवरीडे मॉर्निंग के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाते हैं, तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हो।
और आपको ध्यान रखना है कि गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। हाँ, गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है गैप डाउन ओपन होने के बाद में थोड़ा सा वेट करें और गैप को फिल करने के बाद में आपको डिसाइड करना है कि किस साइड में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर आज एक्सपायरी हो चुकी है, और यहाँ पे एक्सपायरी के दिन आप देखोगे कि ये यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है इंटरनल, और जो बड़ा चैनल आपको मैंने दिखाया इतने दिनों से, वो यहाँ पे उसका आपको देखोगे कि ये नीचे सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है, और ये अपर साइड की ट्रेंड लाइन है उसकी तरफ जा रहा है, लेकिन उस तरफ जाने के पहले इसने क्या किया है, एक चैनल का फॉर्मेशन किया है और आज उसका ब्रेकआउट भी दिया है, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखना है कि ये ऊपर में नेक्स्ट सॉरी रेजिस्टेंस या फिर टारगेट कौन सा बनता है। तो ये ब्रेकआउट हुआ, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इमीडिएट ये वाले जो आपके टारगेट हैं जो कि 48,300 के बनते हैं, तो ये आपका टारगेट बनता है, और इसके ऊपर जाता है तो 48,415 ये आपका टारगेट बनेगा, और उसके ऊपर जाता है तो 48,550 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, और उसके बाद में लाइफ हाई जो हमारा है जो कि 48,600 सॉरी 700 के करीबन आप मान सकते हो, या फिर 675 के करीबन करीबन आप मान सकते हो, वो हमारे टारगेट बनते हैं। तो यहाँ के लिए आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हो, धीरे धीरे करके ये आप देखोगे कि ये जाएगा हमारी ट्रेंड लाइन के पास में जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से भी तो ये जा रहा है ना, इस चैनल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, तो अभी भी जाएगा तो उसको टच करेगा नीचे में, यहाँ पे सपोर्ट 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 सपोर्ट, ठीक है। तो ये इसको फॉलो कर रहा है, तो इसको ये फॉलो करता रहेगा, आप देखोगे कि ये धीरे धीरे करके चला जा रहा है ऊपर में, ठीक है। तो इसमें डरना घबराना नहीं है, अभी भी ये जगह है इसके अंदर और ये जाएगा, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट मैं बड़ा चीज बोलूँ तो 49,000 का एक टारगेट है, एक बार 49,000 के बाद पास में जाएगा, और उसके बाद में 48,350 या फिर 48,550 का जो लेवल है, ठीक है, वहां तक वापस रिट्रेस करने के लिए आएगा, और उसके बाद में ये 50K का जो माइलस्टोन है उसको ये क्या करेगा, टच करेगा। तो ये ऐसे ही डायरेक्टली नहीं जाते, इनके अंदर स्टेप्स होते हैं, ठीक है। मार्केट अप डाउन करके नीचे जाता है, सॉरी ऊपर में जाता है, या फिर डाउन साइड में आता है तो डाउन साइड में करता है, फिर थोड़ा अप लेता है, फिर डाउन लेता है, बाउंस करता है, ये सारी चीजें होती है, तो आपको इनको ध्यान में रखना है और फिर ही आपको काम करना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।